अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। जी ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी प्रोटोजोआ। पहली बात तो ये कि आप लोगों का आज क्विज है शाम में एट 8 o'clock, और आप में से किसी को कोई क्वेरी हो, किसी लेक्चर में से कोई चीज पूछने वाली हो या कोई इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछते हैं, फिर आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटी प्रोटोजोल हमने पढ़ने हैं आज। इसमें एंटी मलेरियल आएंगे, एंटी प्रोटोजोल आएंगे, एंटी पैरासिटिक, एक्चुअली कह रहे हैं पैरासाइट्स जो भी, हमने मलेरिया आ गया, प्रोटोजोल इन्फेक्शन आ गए और हेलमेंटिक इन्फेक्शन आ गए। ठीक है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन में पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो है या तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या बाहर एज पैरासाइट्स स्टे करते हैं, उनको हम कहते हैं। उनमें क्या क्या है? मलेरिया है, लिशमेनियासिस है, जो डिजीजेस होती है इन्फेक्शन जो है ये उनके नाम है, अमीबियासिस है, जीआरडीएसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। ठीक है, मलेरिया है सबसे पहले। मलेरिया मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं और चारों की चारों डिफरेंट तरीके से मलेरिया कॉज करती है, और उनका फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इस तरीके से डिफरेंट है। कॉज क्या होता है? बाइट ऑफ एन एडल्ट मॉस्किटो। और इसके अलावा, बाइट के अलावा क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसे ऑलरेडी मलेरिया है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए किसी और पेशेंट में, किसी दूसरे इंसान में, या फिर कोई नीडल को शेयर करें, जैसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, एक ही नीडल ही दूसरे को लगा रहे हैं, तो ड्रग अब्यूजर्स हो, या कंजेनिटली मदर से बेबी में, इस तरीके से ये जो है आगे स्प्रेड आउट हो सकता है। मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, उसकी दो लाइफ साइकिल्स हैं, एक उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है और एक उसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। जो उसका मॉस्किटो के अंदर गुजरता है वो उसका सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है, यानी वो अपनी ग्रोथ और डिवीजन उसके अंदर हो रही होती है, और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका होता है वो उसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को स्टडी करके ही हमने ये देखा कि जब बॉडी में एंटर हुआ है तो कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हमने उसको जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनाई कि कहाँ पे हम उसके ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको किल कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये सारी ड्रग्स जो है वो एसेक्सुअल साइकिल में ही इफेक्टिव है, उसी की वजह से है कि जो ह्यूमन बॉडी में है ही एसेक्सुअल साइकिल। अब हम मॉस्किटो को पकड़ के तो नहीं कहेंगे ना कि ये वाली ड्रग लो और ये मेडिसिन तुम सुबह शाम खाओ ताकि ये असर करे। ह्यूमन बॉडी में होता क्या? मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, या इन्फेक्शन हुआ किसी भी ब्लड कंटेमिनेटेड नीडल की वजह से या इन्फेक्टेड मॉस्किटो, बॉडी में स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए मलेरिया के। जब ये स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए हैं वो जाते हैं लिवर में जाके लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट किया उन्होंने, और उसके अंदर डिवीजन करके मीरोजोइट्स बना दिए। अब ये सेल रप्चर होगा और बाहर निकल के लिवर से रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देगा। जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल होंगे उसके अंदर ये जो है वो ट्रोफोजॉइट बनाएंगे, ठीक है। और जो रेड सेल इन्फेक्टेड होता है जिसके अंदर ट्रोफोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम शाइजोंट कहते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल बर्स्ट होगा और इसमें से मीरोजॉइट्स इसके अंदर बने और ये निकल गए बाहर, ट्रोफोजॉइट बने, और जो बाहर निकले मीरोजॉइट्स बन के वो निकले। एक तो ये कि वो गैमेटोसाइट बन गए, दूसरी चीज मैंने क्या की कि बाकी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। ये जो गैमेटोसाइट यहाँ से निकले हैं वो ब्लड में आ गए, और अब जब कोई और मॉस्किटो आके जो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो था वो बाइट करेगा आके उस इन्फेक्टेड पर्सन को, और वहां से वो गैमेटोसाइट उसने पिकअप कर लिए और फिर बाकी का सेक्सुअल साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर चलेगा, ठीक है। यानी के जब ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट्स आए और ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम आया जिसने मलेरिया कॉज किया, इसके दो स्टेजेस हो गए, एक एरिथ्रोसाइट्स के अंदर यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और एक उसकी साइकिल हो गई जो रेड ब्लड सेल्स के बाहर है। तो यानी इसके दो फेजेस हो गए, एरिथ्रोसाइटिक फेज और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज, यानी एरिथ्रोसाइट्स के बाहर जो उसने टाइम गुजारा और वो जो एरिथ्रोसाइट के अंदर उसने टाइम गुजारा, एरिथ्रोसाइटिक फेज। अब हमने इसको दो जगह पे जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमें मिल गई, एक वो फेज जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक है जब तक वो एरिथ्रोसाइट्स में नहीं गया, ठीक है, वहां पे हमने प्रेमाक्विन यूज कर ली।
अब वो कब यूज होगी? एरिथ्रोसाइट्स में एंटर होने से पहले इस लेवल पे और एरिथ्रोसाइट से बाहर निकलने के बाद इस लेवल पे, ठीक है? और जबकि जो एरिथ्रोसाइटिक फेज में हमने ड्रग्स यूज की, जो बाकी सारी हैं, वो सिर्फ तब इफेक्ट करेंगी जब वो रेड ब्लड सेल्स में है, यानी एरिथ्रोसाइट्स के जब वो अंदर है, वहां पे वो क्या करेंगी कि जो एक एरिथ्रोसाइट इन्फेक्टेड हुआ हुआ है वो उसको आगे से ट्रोफोसाइट्स नहीं बनाने देगी और उसको डिवीजन नहीं करने देगी कि वो आगे से मजीद रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करे, ठीक है? समझ आ रही है ये चीज? समझ आई है बच्चों? बच्चों जाग के सुना करें लेक्चर को, रिस्पॉन्स ही दे दिया करें, और अगर आप इससे कोई कैंपस में है तो कोई बेसमेंट में 101 रूम है यहाँ पे आ जाए। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की हमने बात की कि दो फेजेस हैं, एक एसेक्सुअल जो साइकिल है उसकी हम आगे से बात करें कि उसमें एक एरिथ्रोसाइटिक फेज है दैट अकर्स आउटसाइड द एरिथ्रोसाइट और एक एरिथ्रोसाइटिक फेज है दैट अकर्स इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स। पर एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? आरबीसीज हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स जो भी हम दे रहे हैं वो ड्यूरिंग एसेक्सुअल फेज ही काम कर रहे हैं क्योंकि वो तब भी वल्नरेबल है। इसमें दो चीजें हो गई, एरिथ्रोसाइटिक फेज की ड्रग्स क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्विनीन, मेफ्लोक्विन, जो कि जबकि जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज की ड्रग्स है उनमें सिर्फ प्रिमाक्विन आती है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में देंगे एरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स को भी और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स को भी, तो उससे हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, यानी कि मलेरिया अंदर एंटर होने से पहले भी ट्रीट कर सकते हैं हम और बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम दोनों को आपस में मिला देंगे तो वो फिर हमें डबल इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि फोर अमाइनोक्विनोलोन के डेरिवेटिव्स हैं उनका हम देख रहे हैं। वो क्या करता है? पैरासाइट के साथ बाइंड करता है, पैरासाइट की न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता। दूसरी चीज क्या करता है? जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है सस्टेनिंग सब्सटेंसेस जो हैं पैरासाइट के, उनको उनको प्रिवेंट करता है, वो फॉर्म नहीं होने देता। पीएच ऑल्टर कर देता है पैरासाइट की, मेटाबोलाइज नहीं होने देता पैरासाइट को कि वो हीमोग्लोबिन यूज करे एरिथ्रोसाइट का और आगे ग्रो करे, और सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक फेज जो है इसमें ये है काम आती है क्लोरोक्विन, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास क्विनीन एंड मेफ्लोक्विन, ये भी पीएच को ऑल्टर करती है पैरासाइट की, इंटरफेयर करती है उसकी एबिलिटी को कि वो एरिथ्रोसाइट की हीमोग्लोबिन को यूज करे, और ये भी एरिथ्रोसाइटिक फेज में ही हेल्प करती है। नेक्स्ट है डाइअमाइनोपाइरिमिडीन, पाइरिमिथामिन एंड ट्राइमेथोप्रिन, ये क्या करती है? ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एंजाइम है जो कि उसकी एसेंशियल सब्सटेंसेस बनाने के लिए हेल्प आउट करता है, उसको ये फॉर्म नहीं होने देता, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा ये ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट को, और इसको अगर हम सल्फाडॉक्सीन सल्फाडॉक्सीन और डेप्सोन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो फिर इससे भी हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स मिलते हैं। प्रिमाक्विन है ये ओनली एक्सोएरिथ्रोसाइटिक ड्रग है, ये बाइंड करती है उसके साथ उसके डीएनए को ऑल्टर कर देती है। कॉम्बिनेशन में अगर हम देंगे इसको सल्फोनामाइड्स के साथ, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन के साथ, तो इंक्रीज हो जाता है उसका इफेक्ट। और ये सारी सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है? जब इनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ऑलरेडी प्रिमाक्विन भी उसका उसके डीएनए के साथ अटैच हो रहा है और उसको बाइंड कर रहा है, और ये भी हमारे पास आ गई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये भी उसका वो नहीं बनने देंगे सारा न्यूक्लिक एसिड वाला पूरा सेटअप नहीं होने देंगे और उसको रेप्लिकेट नहीं करने देंगे, ठीक है? तो इससे हमें सारा जस्टिक इफेक्ट इफेक्ट्स क्या होंगे एंटी मलेरियल्स के? वो पैरासाइट को किल कर देगा, उसके अलावा सिर्फ क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का हमें ये भी बेनिफिट मिला है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी शो करता है। इससे थेरापेटिक यूजेस क्या आए कि प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, और क्योंकि मलेरिया की हमने बात की थी कि प्लाज्मोडियम की हमने बात की थी कि चार डिफरेंट तरह के वो हैं तो वेरिंग इफेक्ट्स हैं इसके, उसके अलावा इनको हम एस्ट्रोफाइलेक्टिक एजेंट भी यूज कर सकते हैं मलेरिया होने से पहले, अगर बताऊँ कि किसी ऐसी लोकेशन पे या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे एक्सपोजर होगा मॉस्किटो के साथ और चांसेस हैं मलेरिया के, उसके लिए हम पहले से यूज कर लें। इसके अलावा क्योंकि क्विनीन और क्लोरोक्विनीन जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी रखती हैं, तो उनको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और न्यूक्लियर एथमेटोसिस के केस में भी यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स,
primarily gastrointestinal है, nausea, vomiting, diarrhea, anorexia and abdominal pain. Next हमारे पास आती है antiprotozoals. Antiprotozoals में etobicoke, metronidazole, pentamidine, artoquinol और paromomycin है. इसमें से metronidazole का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, flagyl का जो कि बहुत commonly ली जाती है. Flagyl, अब यहाँ से आप देख लें कि flagyl is an antibiotic. ये सिंपल पेट खराब हो जाए तो दवा खाने वाली नहीं है. जो कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या पेट खराब हो गया तो एक फ्लैजिल ले ली और सही हो गया. एंटीबायोटिक कोई भी है, ये एंटीप्रोटोजोअल या जो भी, सारी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी चल रही है. इसका कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है. जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको कहा गया है, आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, वो टाइम पूरा करना जरूरी होता है, वो डोजेज कम्प्लीट करना जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा गया है कि 3 times a day लेनी है फॉर 3 days, तो वो आप पूरी करेंगे ये अपनी 9 tablets तो ही अपना इसका इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली आएगा. ठीक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन क्या क्या है? एमीबीएसिस है, जीआरडीएसिस है, नोमोसिस्टोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ट्राइकोमोनियासिस. ट्रांसमिशन इनकी कैसे होती है? पर्सन टू पर्सन है, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाए पैरासाइट से, या फिर इंसेक्ट पैर जैसे मॉस्किटोज की वजह से या टिक्स की वजह से. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबके अलग अलग. सबसे पहले एटोबाक्यून का है, ये क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां से एनर्जी गेन करता है. एटोबाक्यून क्या करती है कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ही इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से उसे ना एनर्जी मिलेगी ना वो सर्वाइव कर सकेगा, तो उसकी सेलुलर डेथ हो जाती है. पी कैरेनाई के केस में हम ये यूज करते हैं एटोबाक्यून को. नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल. ये डिस्ट्रक्ट करती है डीएनए सिंथेसिस को, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को भी. बैक्टीरियासिडल है, अमीबिसिडल है, ट्राइकोमोनिसिडल है, यानी कि इसमें भी किल करती है. ट्राइकोमोनियासिस में, अमीबिसिस में, जीआरडीएसिस में, एनारोबिक इन्फेक्शंस में और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमोनास कोलाइटिस में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, ये मैंने चार्ट के फॉर्म में नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नीचे उसका थेरेप्यूटिक यूज के किस किस में इसको यूज करना है. पेंटामिडीन है, इनहिबिट करता है डीएनए और आरएनए को, राइबोसोम्स को एग्रीगेट कर देगा और डायरेक्टली लीथल है न्यूमोसिस्टेस कैरेनाई के लिए. इनहिबिट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस को, और ना माइओसिस का ट्रांसपोर्ट होगा, ना उसके आरएनए बनेंगे, ना उसका न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ना उसका जो है वो रेप्लिकेशन होगी और ना वो ग्रो करेगा. मेनली यूज होता है पी कैरेनाई निमोनिया के लिए और उसके अलावा अदर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए. आर्टोक्यूनोल है ल्यूमिनल और कॉन्टैक्ट अमीबिसाइड, हम इसको कहते हैं. ल्यूमिनल का मतलब ये है कि इंटेस्टिनल ल्यूमिन में जाके काम करता है इस वजह से, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ये पैरासाइट के साथ. ठीक है, इंटेस्टिनल ल्यूमिन में जो इन्फेक्ट जो पैरासाइट प्रेजेंट होता है जाके डायरेक्टली उसको किल करता है. किस चीज के लिए यूज होता है? इंटेस्टिनल अमीबिसिस के लिए. पैरोमोमाइसिन है, ये भी ल्यूमिनल और कॉन्टैक्ट अमीबिसाइड है, ये भी उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और फिर उसको किल कर देता है. एमीबीएसिस के लिए, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए और हेपेटोकोमा के केस में एडजुवेंट थेरेपी में भी यूज होता है. साइड इफेक्ट्स हैं एटोबाक्यून के, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया. बाकी सबके वैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जो खास खास है उसमें एटोबाक्यून में एनोरेक्सिया आ जाता है. मेट्रोनिडाजोल में ये है कि मेटालिक टेस्ट, जबान बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कड़वी सी हुई भी है कंटीन्यूअसली, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स. आइडोक्विनोल में एनोरेक्सिया हो सकता है, एडेनोसाइटोसिस हो सकता है, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया तो कॉमन ही है. पेंटामिडीन में ब्रोंकोस्पैज्म, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, रीनल फेलियर और लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो भी इसमें रेज हो जाते हैं. पैरामोमाइसिन में अगेन नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्टमक क्रैम्प्स है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंटीहेलमिंटिक्स पे. एंटीहेलमिंटिक्स में सारी ड्रग्स आती हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट थी मैंने उनके नाम कलर कर दिए हैं. विबिंडाजोल, नाइक्लोसामाइड, पिप्राजीन, प्रेजिकोंटल और थायाबिंडाजोल. इसमें से आप लोगों ने शायद मेरा हल अगरमा उसका नाम सुना होगा, किसी ने सुना होगा. तो एंटीहेलमिंटिक्स क्या करती हैं? जो वॉर्म इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करती हैं. वॉर्म्स के आप लोगों ने नाम सुने होंगे बचपन में 9th-10th FSC में, तो जब बायो पढ़ी है उसमें सुने हुए ही होंगे. राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, ये सारे नाम जो हमने सुने हुए ये उनके लिए. ठीक है, हेलमिंट्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, लार्ज होते हैं और उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है. इसी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी स्पेसिफाइड होता है, यानी कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे हमने अभी एंटीप्रोटोजोअल पढ़े,
अमीबियासिस के लिए भी यूज हो रहा है, ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी यूज हो रहा है और जीआरडीएसिस के लिए भी यूज हो रहा है. लेकिन इस केस में क्या होता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वॉर्म है जिसने इन्फेक्शन किया है और फिर हम उसको उस डिजीज स्पेसिफिक ड्रग देंगे और फिर वो स्पेसिफाइड ड्रग ही होगी जो उसको ट्रीट करेगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव वॉर्म. टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फीसेस में, यूरिन में, ब्लड में, स्पूटम में या टिश्यू में हम उसके ओवा को या फिर लार्वे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सेस्टोड, तो सेस्टोड है यानी कि टेपवॉर्म, नीमाटोड है, राउंड वॉर्म या फिर प्रीमाटोड्स है जो कि फ्लूक्स होते हैं. जो प्रीमाटोड्स होते हैं फ्लूक्स, शायद हमें मतलब फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म इन्फेक्शन क्या है इनका. डाइथाइल कार्बामेजीन में रेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा. थायोबेंडाजोल है, ये एक एंजाइम होता है स्पेसिफिक फ्यूमरेट रिडक्टेज जो कि हेलमिंथ को की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उसको इनहिबिट करेगा. ये दोनों डाइथाइल कार्बामेजीन और थायोबेंडाजोल ये यूज होंगी नीमाटोड्स के लिए, टिश्यू में भी और राउंड वॉर्म इन्फेक्शन. नेक्स्ट है पिप्राजीन एंड पायरेंटल, ये भी निमाटोड में यूज हो रही है. कौन सा निमाटोड जो कि जाइंट वॉर्म है और पिन वॉर्म है, ये क्या करती है कि एसिटाइलकोलीन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर देती है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से वॉर्म्स का पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं थ्रू जी आई टी. उनका पैरालिसिस हो गया, वो ना मूव कर सकेंगे, ना अपना कोई और एक्टिविटी कर सकेंगे, ना ग्रो कर सकेंगे और फिर वो जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं थ्रू जी आई टी. नेक्स्ट है मेबेंडाजोल, ये क्या करती है कि ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स की अपटेक को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से उसको ना कोई न्यूट्रिएंट पहुंची है ना कुछ पहुंचा है, तो ऑटोलाइसिस हो जाती है सेल की और वो डेड हो जाता है. वॉर्म जो है इससे सेस्टोड्स और नेमाटोड्स के केस में यूज होती है. नेक्लोसामाइड है, ये क्या करती है कि वॉर्म को डिसलॉज कर देती है वॉल से जिस पे वो अटैच होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो जी आई डी की वॉल पे जाके अटैच हुआ हुआ है, वहां से उसको डिसलॉज करेगी, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे जैसे बाकी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन में और फिर उसे एक्सपेल कर देंगे. ये भी सिस्टोर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है. ऑक्सैमिक्विन है और प्रेजिक्वेंटल है. अच्छा, ये सारे जो है हमारे जो पेट के कीड़े कहलाते हैं ये सारे वॉर्म है. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी पैरालिसिस कर देते हैं वॉर्म का और इमोबिलाइज कर देते हैं उसको, डिसलॉज करेंगे वॉर्म को जहां भी वो प्रेजेंट है, मेसेंट्रिक वेन्स में है अगर, और वहां से उसको डिसलॉज करेंगे लिवर में आएगा, फिर वो होस्ट टिश्यू रिएक्शन से किल हो जाएगा और अगेन वो उसी तरीके से जीआईटी से एक्सपेल हो जाएगा. प्रीमाटोड्स में और सेस्टोड्स में इसको यूज करते हैं प्रेजिक्वेंटल ओनली, नॉट ऑक्सैमिनिक्विन, सेस्टोड्स में. माइक्लोसामाइड, ऑक्सैमिनिक्विन, प्रेजिक्वेंटल, थायोबेंडाजोल, पिप्राजीन, पैरेंटल, इन सबके साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस एंड हेडेक है. जबकि मेबेंडाजोल के केस में टिश्यू नेक्रोसिस भी रिपोर्ट हुआ है और एब्डोमिनल पेन. नर्सिंग इम्प्लीकेशन है कि इनको देना किस तरीके से है. पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री हमने लेनी है पेशेंट की, उसको क्या है क्या नहीं है, उसको चेक करना है कि किसी ड्रग से एलर्जी ना हो. उसके बाद उसके सारे बेसलाइन वाइटल्स लेने हैं हमने. फिर हमने ये चीज चेक करनी है कि उसको किसी और डिजीज के लिए ऑलरेडी कोई ड्रग तो नहीं ले रहा, ताकि हम ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन को अवॉइड कर सके. उसके बाद हम उसका ये चेक करेंगे कि कौन सा एजेंट, कौन सा जो है सॉरी कौन सा पैरासाइट है जो इन्फेक्ट कर रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको मेडिसिन देंगे. बच्चे मुझे आवाज नहीं आई, बेटा कोई कुछ कह रहा है, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई. अच्छा, इसमें ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स में ये है कि एस्पर्जस लाइक ऑडर आती है यूरिन में, पंजेंसी, रॉटन सी स्मेल होती है और स्किन ऑडर भी चेंज हो सकता है, मेटालिक टेस्ट आएगा. ये सारी चीजें पेशेंट को पहले से बता देनी है ताकि वो जो है वो परेशान ना होगी क्या हो गया, और जिस तरीके से उनको दिया जाए एज ऑर्डर्ड एंड प्रिस्क्राइब लेंथ ऑफ टाइम, उसी हिसाब से इनको लेना है, उसी हिसाब से इन्हें प्रिस्क्राइब करना है, उसी हिसाब से खानी है, जितने दिन के लिए कहा जाए जितनी डोजेज दी जाए, और फूड के साथ लेते हैं ताकि जीआईटी अपसेट को अवॉइड किया जा सके.
एंटीमलेरियल के केस में पहले ये चेक करना जरूरी है कि मलेरिया है, फिर ही आप मेडिसिन दें। और अगर प्रोफाइलेक्टिकली यूज करनी है तो फिर 2 हफ्ते पहले से यूज करना शुरू कर देनी है। जैसे अगर किसी ऐसे पोटेंशियल रिस्क वाले एरिया में जाना है तो पहले 2 हफ्ते पहले से यूज करना शुरू कर देनी है और 8 वीक तक उसे कंटिन्यू करना है। वीकली लेनी है विद 8 ounces ऑफ वाटर। और अगर किसी भी किस्म का एडवर्स इफेक्ट आए, जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम्स आए, हेयरिंग डिक्रीज हो जाए, रिंगिंग सी हो ईयर्स में, विजुअल डिफरेंसेस आ रहे हो, नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा हो, तो पेशेंट को कहना है कि वो ऑलरेडी अवेयर रहे इन सब से कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जाएगी तो फौरन से इन्फॉर्म करें अपने फिजिशियन को। दूसरी चीज़ ये कि ये रिकर भी कर सकता है मलेरिया, तो उसके लिए भी अवेयर रहे कि अगर दोबारा से उसे सिम्टम्स फील हो रहे हो कि मलेरिया सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो इमीजिएटली जो है वो रिपोर्ट करें। साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करते रहे सारे ड्रग्स के केस में, के उसको पहले से बता दें कि ये हो सकते हैं, और अगर इसमें से कोई भी बहुत ज़्यादा वर्सन हो रहा हो तो वो बता दें। और अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी हो रही है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको मॉनिटर करते रहें ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो जाए। ठीक है बच्चा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बता दें। अच्छा समझ आ रही है? Yes, ma'am. बेटा कोई चीज कोई से मुतलिक पूछनी हो या आज के लेक्चर से मुतलिक पूछनी हो तो पूछ लें। सर अच्छे मैंने खुद ही शॉर्ट रखा है थोड़ा सा कि आप लोग पढ़ लें, वरना मैं इसको इंडियन ट्यूबरकुलस के साथ भी मिलाने लगी थी, लेकिन उनका चलो कोई बात नहीं। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स ही, अब तो मेरे बड़े असर से हम यही पढ़ रहे हैं सिर्फ, ये सारी एंटीबायोटिक्स ही चल रही है। बेटा पता नहीं थोड़े से रह गए, ये एंटीबायोटिक्स खत्म होंगे, इसमें भी एंटी टीबी रहता है, एंटीवायरल रहता है, एंटी न्यूप्लास्टिक रहता है, 3 तो ये रहते हैं। उसके बाद हमने ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ने हैं और एक आध लेक्चर आपको मेरा ख्याल है आपके सारे डीपीटी वाले हो, मिक्स हो डीपीटी डीएनएस या सिर्फ डीएनएस वाले हो? मैम डीएनएस, मैम मिक्स्ड है। मिक्स्ड है तो फिर वो मेरा ख्याल है वो जो लेक्चर्स हैं आपके अब मैं देखूंगी कि वो अगर उसमें सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर वो नहीं रिपीट करेंगे, जो फिर करंट फिजिकल थेरेपी में जो यूज होते हैं ड्रग्स वाले लेक्चर्स फिर स्किप कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5 हो जाएंगे लेक्चर्स और। ओके मैम, हाँ जी किसी ने कुछ पूछा है? जी बच्चे मैं पूछती हूँ कितने हैं क्विज में आज वाले? बेटा आज के मेरा हाल 16 है, 15 या 16 है। ओके बच्चों अच्छा अच्छा क्विज करना, और इसको हम मेरा ख्याल है कि हम 5-5% ही रखते हैं ताकि थोड़े से उधर से मिल जाए नंबर, थोड़े से इधर से मिल जाए तो साइनर्जेस्टिक इफेक्ट मिल जाएगा। मतलब आपने मतलब वो आप नेट वगैरह कर चुके जी बच्चे, जिस टाइम पे आप शुरू करेंगे ना उससे ऑनवर्ड आपको आप उससे ऑनवर्ड आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। जाहिद हुसैन रिहा जाहिद हाफिज जुनेद अहमद महक जहान और जहरा, जो आप लोग एब्सेंट हो, इनको वैसे नहीं पता चला होगा लेकिन इन्हें बता देना कि एब्सेंट है क्योंकि इनके ऑडियो तक कनेक्ट नहीं है। मैं मारिया मंजू के बारे में सो। हाँ जी लग गई मैम रबिया, मुझे लग जाएगी अटेंडेंस, उनसे ही लग जाएगी मैम जी। बच्चे
मैम रबिया मैम मेरा माइक नहीं ओपन हो पा रहा था पता नहीं क्यों बेटा लग जाएगी अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी इससे Zoom से ही अटेंडेंस में निकाल दूंगी आप परेशान ना ओके मैम देखिए जिन स्टूडेंट्स का आपने नाम ये एब्सेंट है ओके मिस ओके ठीक है बच्चों आप लोग लीव कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ मैम अल्लाह हाफिज़